Good morning, students. I hope you all are doing well. As you know, recently you have given your half yearly exams. You have performed well, and I want to congratulate to all. Today we are going to start the rest of syllabus. We will start our new chapter number 9, profit and loss. In this video, I'll explain about the profit and loss. Before starting, let me tell you about some basic concept of this chapter, profit and loss. Our first is CP, second is SP, third is profit, and fourth is loss. First is CP. CP क्या होता है राजे? CP means cost price. CP means cost price, or we can say buying price. Next is SP. SP means selling price or sale price. Okay. CP means cost price and SP means selling price. Cost price means जिस cost पर हमने उस चीज़ को buy किया है, and selling price means जिस price पर हमें उस चीज़ को sell किया है. Okay, profit होता है, loss means loss. Clear? Suppose कीजिए रजे, मैं एक shopkeeper हूँ, मैंने 10 rupees का एक pen buy किया, तो मेरी वो cost price थी कितनी थी रजे? ₹10. मैंने 10 रुपीज़ में एक पेन को बाय किया. नेक्स्ट मैंने किसी कस्टमर को उसी पेन को ₹15 में नेक्स्ट सेल कर दिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था जिस प्राइस पर मैंने उस पेन को बाय किया था? 10 रुपीज़ था, और नेक्स्ट मैंने उसे सेल किया था ₹15 पे. तो देखिए, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हमारा कॉस्ट प्राइस कम है. मैंने कम पैसों में उस चीज़ को बाय करके नेक्स्ट मैंने उसमें ज़्यादा में उसे सेल कर दिया, तो इस सिचुएशन में रजे क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा SP माइनस CP. क्लियर? जब हमारा SP ज़्यादा हो CP से, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. क्लियर? नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेंगे. सपोज कीजिए, मैंने एक बुक बाय की 100 रुपीज़ की. ओके, ₹100 की मैंने एक बुक बाय की, तो मेरा वो बाइंग प्राइस और वैकेंसी कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है? ₹100. और मैंने कुछ टाइम बाद उस बुक को, मतलब मैंने रीड कर लिया, उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया, मैंने कुछ टाइम बाद उस बुक को क्या कर दिया? सेल कर दिया, तो वो मेरे सेलिंग प्राइस हो गया. मैंने उस बुक को ना ₹70 में ही सेल कर दिया. 100 में मैंने उसे बाय किया था, मीन्स मेरी उस बुक का कॉस्ट प्राइस था ₹100. नेक्स्ट मैंने उसे ₹70 में सेल कर दिया, मीन्स वो मेरा SP कितना है? 70. इसमें देखिए, मैंने ज़्यादा पैसों में बाय करके कम पैसों में सेल किया, मीन्स मुझे लॉस हुआ है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉस का रजे? CP माइनस SP. व्हेन CP इज़ ग्रेटर देन SP, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तो हमें लॉस होता है रजे. और अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है. ये अपोजिट है रजे. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस होगा. और अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा रजे? प्रॉफिट होगा. ये था, हमें पता लगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ. सपोज करो हमें सब में बोला जाए कि आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो रजे आप कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? उसका हमारे पास फॉर्मूला है. जब हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम राइट करते हैं रजे, प्रॉफिट कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड बाय CP. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम राइट करेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय में CP इंटू 100. ये था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. सिक्स्थ है रजे, लॉस परसेंट. सपोज कीजिए हमें किसी बिजनेस में लॉस हुआ, और हमें पता करना है कि हमें उस कितना परसेंट जो है हमें लॉस हुआ है, तो हम सेम रजे, थोड़ा सा चेंज है बस, जहाँ हमने प्रॉफिट राइट किया वहाँ हम लॉस राइट करेंगे. लॉस डिवाइड बाय में CP इंटू 100.
क्लियर। ऐसे इसी फॉर्मूले को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 123, वी विल डू सम एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। टू फाइंड सीपी और एसपी व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज गिवन, हमें एसपी और सीपी फाइंड आउट करना है अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हमें दे रखा हो। तो आपका एग्जांपल है, माला सोल्ड अ टीवी फॉर रुपीज 24,900 एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600। फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट इट। क्या बोल रहा है इस समय कि माला ने एक टीवी को बाय किया, सॉरी सोल्ड किया 24,900 एट ए प्रॉफिट ऑफ 600, मीन्स इतने की उसकी कॉस्ट प्राइस थी और इतने प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, उस टीवी को सेल कर दिया। तो मीन्स हमें एसपी गिवन है, एसपी हमें गिवन है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है। उसे सेलिंग प्राइस उसने दे दिया कितने का टीवी, उसने 600 के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब जो टीवी सोल्ड किया ना उसने, वो रुपीज़ 24,900 का टीवी सोल्ड किया है, उस पर उसने 600 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें बताना है कि उसने किस मतलब प्राइस पे उस टीवी को बॉट किया था, मीन्स बाय किया था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस, सीपी हमें फाइंड आउट करना है। तो रजे हमारा एसपी कितना है, 24,900, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ हमें 600। तो हम अगर सीपी फाइंड आउट करने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। क्लियर, सीपी है हमारा 24,900 माइनस 600, क्या है हमारा प्रॉफिट। अगर मैं 24,900 में से 600 को माइनस कर दूं तो मेरा एसपी आ जाएगा रजे 24,300, मींस माला ने उस टीवी को 24,300 पे बाय किया था, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उस टीवी की कितनी थी रजे 24,300। नेक्स्ट देखिए रजे, राजू हैज़ अ साइकिल वर्थ रुपीज़ 1,800 एंड ही wants टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 220। वट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। राजू के पास एक साइकिल थी जिसकी कॉस्ट है 1,800। वो साइकिल को रजे सेल करना चाहता है कि वो बोल रहा है कि मुझे साइकिल पर 220 रुपीज का प्रॉफिट हो। तो हमें बताना है कि वो किस प्राइस पर वो साइकिल को सोल करेगा। पिछले समय मेरा जी क्या था, हमें एसपी गिवन था, अब इस समय हमें सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास साइकिल का, बट उस समय हमें सेलिंग प्राइस गिवन था टीवी का, अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर दूं तो मेरा एसपी आ जाएगा। देखिए रजे अपोजिट हैं फॉर्मूले, बिल्कुल अपोजिट हैं। सीपी फाइंड आउट करने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट किया था और एसपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है साइकिल का 1,800 और प्रॉफिट कितना है 220, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मींस सेलिंग प्राइस आ जाएगा साइकिल का। ओके, ये थे कुछ एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस के। नाउ योर वर्क इज़ टू डू फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 9A। आपने सिर्फ फर्स्ट सम करना है एक्सरसाइज 9A का अपनी PNB पर, जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर, इन्हें फॉर्मूलाज की हेल्प से आपने फर्स्ट सम को रजे सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क टू मी।